सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज मी शुभम एंड ये रिमाई और अरे भैया हमारे। और आज है हमारा तीसरा दिन फॉर आर ट्रिप। और हम अभी नैनीताल के हमारे जो रूम लिया हुआ था हमने वहाँ पे अभी हम जस्ट चेकआउट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे थोड़े से साइट सीइंग रह गए वो हम देख के साथ के साथ हम गाड़ी लेके अपनी निकल लेंगे। और काफ़ी गोरा और खूबसूरत लग रहा हूँ मैं सर। एंड अब हमारी तैयारी है यहाँ से निकलने की, हम पैक कर रहे हैं सारा सामान और निकलते हैं यहाँ से। और हमारी जो साइट सीइंग्स रह गई हैं हम वो आपको दिखाते हैं कितनी साइट सीइंग्स रह गई हैं। और तहलका लग रहा हूँ मैं आज बिल्कुल देख। सो गाइस वी आर ऑल सेट टू लीव और हम अब जा रहे हैं वापस अपने घर की ओर। एंड शी इज एज यूजुअल लुकिंग प्रिटी। एंड नीचे सीधा मिलते हैं कार पार्किंग में, बिकॉज हमें रास्ते में तो हमने कुछ दिखाया नहीं, तो कार पार्किंग पे मिलते हैं हम आपको। गाइस यहाँ पे ग्राउंड बच्चे खेल रहे हैं। एंड अब हम जा रहे हैं नैनी झील नीचे से। देखो वो ले लूँ क्या? तो ये रहा टिकट काउंटर। ऐसे करो ना हम लो लवी। तो गाइज हम ले रहे हैं अभी थोड़ा सा हाथ को कंट्रोल करके रखना, फोन नीचे गिरा ना मिलेगा क्योंकि कितनी गहरी है पता भी नहीं है। गाइज अब हम जा रहे हैं बारह पत्थर और यहाँ पे तो भाई अब धूप हो रही है। तो गाइज हम जा रहे हैं बारह पत्थर और टिप एंड टॉप। तो हमने ना आज ना बहुत इंजॉय किया, ये आज था हमारा थर्ड डे और हमने फुल एंजॉय किया। और नैनीताल में आके जब भी आप आओगे ना तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे राइडिंग करवाने वाले बहुत है और जो भी घुमाने वाले, तो घूमना एंजॉय करना और साथ में एडवेंचर ज़रूर करना। और हमने सारे एडवेंचर किए थे, जो जैसे थोड़े बहुत हमने नहीं किए लाइफ में हमने वो भी किए। मुझे हॉर्स राइडिंग करनी थी, मैंने वो किए, मुझे बहुत मज़ा आया। सारे एडवेंचर करने के बाद हमने लव पॉइंट गए थे, बट लव पॉइंट में थोड़ा अंधेरा हो गया था, तो देखते हैं आप वहाँ जाएंगे। बट हम पहले जाएंगे बारह पत्थर, क्योंकि बारह पत्थर बहुत में बहुत खूबसूरत है और बहुत ब्यूटी है मतलब। और अभी हम देख रहे हैं बिकॉज हमने आगे अब जाना है कोई बहुत ही खास जगह पे जाना, हमने जहाँ पे जाना हमारा सफल होगा तो हम वहाँ जाएंगे। आप लोगों को जरूर बताएंगे कहाँ। और एक बात और बता दूं आपको, जो अगर आपको अगर किसी को भी कैंपिंग करनी है ना तो नैनीताल में कैंपिंग नहीं होती, तो ये होता पंगोट में। तो पंगोट में भी आप खुद टेंट नहीं लगा सकते हो, उसमें भी शायद चार्जेस वगैरह जिम। ये जगह इस ऊंचाई पे जाना हमने लगाया था बंदे कल। हाँ ये रहा, अगर किसी को कैंपिंग करनी है तो टिफिन टॉप में जा सकता है अगर अलाउड हुआ तो, बिकॉज हमें अलाउड नहीं था। और सबसे बड़ी बात, जो ड्रोन लेकर आ रहे हैं यहाँ पे मत लेकर आइए, कि ड्रोन की परमिशन लेनी पड़ती है ड्रोन उड़ाने के लिए। और एक से पॉज कर, रुक रुक। सो गाइज हम जा रहे हैं टिफिन टॉप पे, वो लवी जा रहे हैं, ये भैया, और हम स्पीकर वगैरह लेके ओरियो को लेकर हम गाने चलाते चलाते हम ऊपर जा रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं। और टिफिन टॉप है यहाँ से दो किलोमीटर, लगभग दो किलोमीटर ऊपर, और देखते हैं हम कितने बजे पहुंचते हैं। तो वो लवी और ये पहुंच चुके हैं वहाँ, और ये भैया और मैं। चलो आपको मिलते हैं सीधा वहीं पे, चला आप गाना। हे भैया ऑन द टिफिन टॉप, एंड हमारी ऑलमोस्ट टू किलोमीटर की ट्रैक थी, एंड इट्स सो हेक्टिक। लग दो किलोमीटर है, बट चलते चलते बहुत ज्यादा थक गए। और यहाँ से आप धूप, मैगी खाने का मन कर रहा है, होगा खाने खाने होगा यहाँ से भैया दिख रही है। तो ये हमारा ओरियो आज ही इज बाय ऑन मोटे की आ गई है मैगी और बिना प्याज वाली। सो लेट्स सी कैसी बनी है। After long time, मोटे मैगी कर रहा है। कितना टाइम हो गया मोटू? 8-9 महीने। 9 महीने तो नहीं हुए। पानी पी लिया, सब कुछ पी लिया। हमारे वाली अभी मैगी आ रही है। वो प्याज वाली मैगी। थोड़ी तीखी रखना भैया।
भैया की जीप जल जानी चाहिए। सो गाइस वी आर गोइंग टू टिफिन टॉप ऑन द टॉप ऑफ द टिफिन। किसने नाम रखा ये टिफिन या टिफिन? तो गाइस बैठ जाओ, जस्ट लुक एट द व्यू, वो सामने हिमालय बर्फ से ढका हुआ, नीचे पूरा नैनीताल। तो ये है पूरा व्यू नैनीताल का, आप देख सकते हैं पूरा व्यू। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, समझना मुश्किल। गाइज आज हमने टिफिन एंड टॉप पे हमने बहुत मस्ती की, इंजॉय किया, कुछ फोटो शूट किए, देन उसके बाद थोड़ा सा डांस किया जो हम क्लिप आपके डाल देंगे, और सॉन्ग वगैरह जो भी है प्ले किया लवी ने थोड़ा सा, फिर उसके बाद लवी को बजाना ही नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया बजाना। फिर वो भैया आए, कहते आप अच्छा बजा रहे हो, कि लवी को फिर फुंडाया उन्होंने। फिर मैंने बोला नहीं भैया आपका, आप अच्छा बजाते हो तो आप बजाओ, तो उन्होंने फिर हमारे लिए सॉन्ग गाए, फिर हम सब ने मिलकर उनके साथ सॉन्ग गाए और एंजॉय किया। सो गाइज हम अब जा रहे हैं, यहाँ से निकल चुके हैं हम, और आज का दिन बहुत ही औसम है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और मैं लवी और भैया और ओरियो और साथ में और भी बहुत मतलब लोग थे वहाँ के मेंबर, हम सब ने इतना एंजॉय किया, बहुत ज्यादा एंजॉय किया। ठीक है ना, अब हम अलविदा कहते हैं नैनीताल को आज, तो बाय 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 नैनीताल, फिर मिलेंगे कभी पैसा हुआ बहुत ज्यादा। तो गाइज ठीक है, यहाँ पे आश्रम है और अब हम जा रहे हैं, तो अब हम अलविदा लेते हैं यहाँ के जंगल पहाड़ से। अभी पूरा नैनीताल आपको दिखाते जाएंगे। हाँ। मार्केट के बीच से जाना हमने। नहीं अभी मैं यहाँ से टिफिन टॉप को बाय बाय कह रही हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, इंजॉय किया, क्योंकि एक मतलब यंगस्टर का ग्रुप था, दैट्स वाई। तो ये रहा, ये मुझे जंगल के बीच में मुझे इसलिए अच्छा लगा ये। ठीक है तो यही रह लेना, ये विंडो के ओपन है, ये बड़ा मतलब ये बारह पत्थर नहीं, एक्चुअल में ये बड़ा पत्थर था, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं बड़ा, तो अंग्रेज को हिंदी आती नहीं थी तो उसने बोला बड़ा पत्थर, ये बड़ा पत्थर है, बड़ा पत्थर, और पहाड़ियों को अंग्रेजी नहीं आती उस टाइम के, जैसे होता ही अपने अपने पहाड़ी होती है अपनी लैंग्वेज निकलती है, तो उन्होंने बड़ा को बारा कर दिया, तो उसका नाम बारा इसलिए पड़ा। तो अब हम जा रहे हैं नीम करौली बाबा। तो गाइस ये देख लो, आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे यहाँ से अल्मोड़ा 65 किलोमीटर, भीमताल 22 और ग्वाली 11 किलोमीटर। अब हमें जाना है ग्वाली से। भैया
फोटो देख, हम निकल चुके हैं। अब हम निकल चुके हैं बुआली की तरफ। हम पहुंच चुके हैं नीम करोरी बाबा मंदिर। ये राम मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर है। वैष्णो देवी, देवी, देवी। पांच मंदिर है उसमें। अलग अलग है ना वो, देख पीछे। मैं बाहर फोटो। तो हम जा रहे हैं अब मंदिर की पार्किंग पे। हम मंदिर से दर्शन करके आ चुके हैं एंड हम लिए हैं क्या, ये जाम। दे दो टिकट। और अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। हमारी गाड़ी एकदम फुल भर गई है। यहाँ का पहाड़ वो लोकेशन। और अब हम निकल रहे हैं अपने घर की ओर। आज हमने बहुत घूमा, बहुत एंजॉय किया, अब जा रहे हैं। तो चलो चलते, स्टे ट्यून। तो रास्ते में इतना सुंदर व्यू है और पीछे एक मंदिर, इतना खूबसूरत मंदिर है। और वो देखो नीचे मंदिर है, और शायद से मंदिर का परिसर बहुत ही इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मंदिर सीरियसली बहुत खूबसूरत है। तो चलते हैं हम अपने सफ़र के आगे और आगे बढ़ते हैं। तो चलो चलिए गाइज, हम घर पहुंच गए हैं। और अब हम, बहुत भूख लगी थी, हमने रास्ते में खाया था, बट अब फिर भूख लगी थी तो अब खा रहे हैं मैगी। तो ये रही मैगी, और खा पी के उसके बाद सोते हैं, बहुत नींद आ रही है। बोले मुंह धोया, मुंह धोने के बाद बस अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।